नमस्कार दोस्तों, आज जिस कंपनी का रिव्यू करने वाले हैं उनके स्थापक की संघर्ष की कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। कहते हैं कि सफलता से ज्यादा गुण संघर्ष की होती है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक सामान्य फैमिली में जन्म और पारिवारिक बोझ के चलते सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई और महज 19 वर्ष की आयु में शादी। इतनी कम उम्र में एक आम इंसान बोझ के तले कुछ छोटा मोटा काम करके अपनी और अपनी फैमिली का गुजारा करता है। लेकिन सत्यनारायण नोवाल जी ने अलग ही रास्ता चुना। शुरुआती दिनों में इंक पेन की स्याही बेचना शुरू किया, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली तो फिर वो 1977 में राजस्थान छोड़ के महाराष्ट्र के चंद्रपुर आ जाते हैं। आर्थिक तंगी के चलते वो अपनी रातें रेलवे स्टेशन पर बिताते। वहां उनकी मुलाकात अब्दुल सत्तार नाम की व्यक्ति से होती है, जिनके पास खदानों की खुदाई में काम आने वाले एक्सप्लोजिव का लाइसेंस था। यहीं से सत्यनारायण जी अपनी सक्सेस स्टोरी लिखने की शुरुआत करते हैं। एक्सप्लोजिव लाइसेंस का यूज करके ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया। फिर कुछ वर्षों बाद 1995 में 60 लाख का कर्ज लेकर छोटे लेवल पर एक्सप्लोजिव बनाना शुरू किया, जो शुरुआती दिनों में सिर्फ कोयले के खदानों में यूज किया जाता था। आज 29 सालों में उन्होंने अपनी कंपनी को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोलार इंडस्ट्रीज की, जिनके फाउंडर सत्यनारायण नोवाल जी है। आज उनकी कंपनी करीब 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन रखती है। एक्सप्लोजिव बनाने वाली ये भारत की लीडिंग कंपनी है और दुनिया का करीब 24% एक्सप्लोजिव सोलार इंडस्ट्रीज बनाती है। आइए अब देखते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का बिजनेस दो मेजर कैटेगरी में डिवाइडेड है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव और सेकंड रहेगा डिफेंस इक्विपमेंट्स। अब इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव में कंपनी अलग अलग प्रकार के एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर्स बनाती है, जिसे हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्सप्लोजिव होता क्या है और इसे कहाँ यूज किया जाता है। दोस्तों, एक्सप्लोजिव माने एक ऐसा सब्सटेंस जो कि लिक्विड और सॉलिड के रूप में होता है। ये अपने आप में ही इतने कैपेबल होते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा गैस को उत्पन्न करते हैं, और ये इतने प्रेशर से और इतने जल्दी गैस को उत्पन्न करता है कि जिसकी वजह से बड़ा धमाका होता है। ये एक्सप्लोजिव एमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल से बने होते हैं, जिनका यूज कोल माइनिंग, टनल बनाने में, कुएं की खुदाई में या फिर कंस्ट्रक्शन जैसी एक्टिविटीज में वाइडली यूज किया जाता है। एक्सप्लोजिव की बिक्री गवर्नमेंट के थ्रू ही होती है। आप बिना लाइसेंस लिए एक्सप्लोजिव नहीं बना सकते। अब देखते हैं सोलार किस किस टाइप के एक्सप्लोजिव बनाता है। नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल मेजरली टनल कंस्ट्रक्शन, मेटल मिनरल माइनिंग और डैम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव में 10 तरह के अलग अलग एक्सप्लोजिव बनाती है, जिनका यूज अलग अलग जगह पर जरूरत के हिसाब से किया जाता है। परमिटेड एक्सप्लोजिव एक स्पेशल टाइप के एक्सप्लोजिव होते हैं, जिसे गवर्नमेंट एजेंसी MSHA के द्वारा अप्रूव किया जाता है कोयले की माइनिंग के लिए। ये लो फ्लेमेबल एक्सप्लोजिव होते हैं, इसलिए ये आग नहीं पकड़ते। अगर नॉर्मल एक्सप्लोजिव या नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव का यूज किया जाए तो पूरा माइनिंग ही उड़ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोयला और माइनिंग के दौरान निकलने वाली गैस हाईली कम्बस्टिबल होती है, आग पकड़ने वाली। इसलिए यहाँ परमिटेड एक्सप्लोजिव का यूज किया जाता है। कंपनी 3 प्रकार के परमिटेड एक्सप्लोजिव बनाती है। सेस्मिक एक्सप्लोजिव, ये भी एक स्पेशल टाइप के एक्सप्लोजिव होते हैं, जिनका यूज जियोफिजिकल माइनिंग में किया जाता है। मतलब इसमें आप बिना माइनिंग स्टार्ट करे एक्सप्लोरेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं कि जमीन के अंदर कौन से मिनरल्स या कोल या फिर मेटल्स अवेलेबल है। सबसे पहले जमीन को ड्रिल करके होल किया जाता है, फिर वहां डिटोनेटर्स के थ्रू एक्सप्लोरेशन किया जाता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी जमीन के अंदर से रिफ्लेक्ट होकर वापस बाहर आती है। उस एनर्जी के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि जमीन के अंदर कोई मिनरल्स या मेटल्स अवेलेबल है कि नहीं। ये एक्सप्लोजिव का यूज लैंड और अंडर वाटर भी किया जाता है। कंपनी इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स और डिटोनेटिंग कोर्स भी बनाती है। अब आते हैं कंपनी के दूसरे बिजनेस सेगमेंट पर, जो कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है और पिछले कुछ महीनों में काफी चर्चा में भी रहा। ब्राह्मोस मिसाइल, शायद जिसका नाम आपने सुना होगा, वो मिसाइल को बूस्टर सोलार इंडस्ट्रीज ने सप्लाई किए है और ये सोलर के इंडिजिनस बूस्टर है, मतलब लगभग पूरी तरह भारत में बने हुए हैं। डिफेंस में सबसे पहले देखें तो कंपनी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसे लोइटर म्यूनिशन भी कहा जाता है, वो बनाती है, जो कि इंडिया का सबसे पहला और पूरी तरह से भारत में बना हुआ एयरक्राफ्ट है, जिनको नाम दिया गया है नागस्त्र 1 और नागस्त्र 2। कुछ महीने पहले ही सोलार इंडस्ट्रीज ने इंडियन आर्मी को 120 नागस्त्र 1 डिलीवर किए है, जहाँ कंपनी को आर्मी के द्वारा 480 नागस्त्र का ऑर्डर मिला हुआ है। दोस्तों, नागस्त्र एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है, जिसमें वॉरहेड्स लगे होते हैं, मतलब आप एक जगह बैठकर दूसरी जगह दुश्मन पर रिमोटली अटैक कर सकते हैं। ये 450 मीटर की हाइट तक जा सकता है, जिस वजह से इसे रडार के द्वारा भी ट्रैक नहीं किया जा सकता, और ये अपने टारगेट के ऊपर करीब 60 मिनट्स तक मॉनिटर कर सकता है और फिर अटैक करके टारगेट और खुद को क्रैश कर देता है।
अगर किसी वजह से मिशन एबोर्ट करना पड़े तो वो ये करने के लिए भी कैपेबल है। इसको रिकवर भी किया जा सकता है पैराशूट के थ्रू लैंडिंग करा के, और इसमें नाइट विजन कैमरे भी लगे होते हैं जिन वजह से हम नागास्त्र के जरिए रात में भी अटैक प्लान कर सकते हैं। और कंपनी साथ में नागास्त्र 2 पर भी काम कर रही है जो कि नागास्त्र 1 का अपडेटेड वर्जन होगा। कंपनी रुद्रास्त्र हेक्साकॉप्टर ड्रोन्स भी बनाती है। ये ड्रोन्स की 10 किलोमीटर की रेंज होती है और ये ड्रोन्स अप टू 5 केजी वॉरहेड्स कैरी कर सकता है। कंपनी ने भार्गव अस्त्र जो माइक्रो मिसाइल सिस्टम है उसको भी तैयार करा है। मान लीजिए दुश्मन के द्वारा लॉयटर म्यूनिशन या फिर ड्रोन्स के द्वारा अटैक किया जाए तो ये इस सिस्टम उसे काउंटर कर सकता है। 360 डिग्री के डायमेंशन से ये ट्रैक करता है और लगभग 5 किलोमीटर की रेंज होती है इनकी। इन सिस्टम का इस्तेमाल टारगेट्स को डिटेक्ट, ट्रैक और इंगेज करने के लिए होता है। 16 सेकंड में ही ये टारगेट को आइडेंटिफाई करके अटैक कर सकता है। एक ही समय पर 64 अटैक करने के लिए ये कैपेबल है। आगे देखें तो कंपनी एम्यूनिशंस में हैंड ग्रेनेड्स और स्मोक ग्रेनेड्स बनाती है जिनका यूज मोस्टली शॉर्ट रेंज अटैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंपनी HMX, TNT और RDX जैसे मिलिट्री एक्सप्लोसिव बनाती है। कंपनी बॉम्ब और वॉरहेड्स भी बनाती है जहां हमें एयर बॉम्ब देखने को मिलते हैं जिनका यूज मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जरिए अटैक करने के लिए किया जाता है। आगे देखें तो कंपनी कॉन्कर एंटी टैंक मिसाइल बनाती है जिनका यूज आज भी इंडियन आर्मी के द्वारा किया जाता है। साथ में टॉर्पीडोज कंपनी बनाती है जो हम जानते हैं कि इंडियन नेवी के द्वारा यूज किया जाता है किसी भी समुद्री संकट के वक्त पर। और रॉकेट और मिसाइल के लिए भी कंपनी वॉरहेड्स बनाती है। अब रॉकेट और मिसाइल में कंपनी पिना का रॉकेट मैन्युफैक्चर करती है। सोलार और MIL को मिला के 9000 पिना का रॉकेट्स का ऑर्डर मिला हुआ है जहां सोलार 60% रॉकेट्स मैन्युफैक्चर करेगी और ये रॉकेट को DRDO के द्वारा डेवलप किया जाता है। और साथ में कंपनी बूस्टर भी बनाती है जो हम शुरुआत में ही आपको बता चुके हैं। तो ये था बिजनेस मॉडल कंपनी का, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको बता दें कि सोलार डिफेंस सेक्टर में 2010 के बाद ही आया और इतने कम वक्त में इतने जबरदस्त अचीवमेंट्स हमें दिखाई देते हैं। 10-15 वर्ष बहुत कम वक्त होता है स्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर में अपने आप को डेवलप करने के लिए। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल। कंपनी का 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप वैल्यूएशन है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो एज पर फाइनेंशियल ईयर 24 एनुअल रिपोर्ट कंपनी 83% का रेवेन्यू इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव से जनरेट करती है और 17% का रेवेन्यू डिफेंस से आता है। और कंपनी के पास 2600 करोड़ का डिफेंस ऑर्डर बुक है, इसलिए यह सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकता है आने वाले वर्ष में। कोल इंडस्ट्री की फोरकास्ट देखें तो 2026 तक ये इंडस्ट्री $10 बिलियन तक के होने का अनुमान है, जहां में 6% के CAGR से ये इंडस्ट्री बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। इंडिया का डिफेंस सेक्टर का मार्केट भी 2024 को 1,00,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है और हम जानते हैं कि गवर्नमेंट मेक इन इंडिया पर कितना फोकस कर रही है और लगातार बढ़ता हुआ डिफेंस का बजट और ग्लोबल डिफेंस मार्केट की डिमांड में पॉजिटिव फोरकास्ट में भी दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के सेल्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले 10 वर्ष में 19% के रेट से ग्रोथ दर्ज करी है और पिछले 3 वर्ष की बात करें तो 34% का ग्रोथ दिखा, तो जबरदस्त टॉप लाइन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। साथ में प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो शानदार फिगर कंपनी ने यहां भी दर्ज की है। पिछले 5 वर्ष में 28% और पिछले 3 वर्षों में 49% का ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया है। साथ में कंपनी 25% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से बिजनेस कर रही है जो कि हमें बहुत रेयर कंपनीज में देखने को मिलता है। और साथ में कंपनी का ROC देखते हैं तो वो भी 32% का है। डेट टू इक्विटी थोड़ा हायर साइड देखने को मिलता है 0.32 का है, लेकिन इसकी प्राइमरी वजह है कंपनी का R&D और एक्सपांशन पर लगातार बढ़ता हुआ कैपेक्स। कंपनी का करंट वैल्यूएशन बहुत कॉस्टली है तो अभी हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे कंपनी बाय करने के लिए। FIS की बात करें तो लगातार FIS भी अपना होल्डिंग ये स्टॉक में बढ़ाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल आपके सामने है। बहुत कम कंपनीज होती है इतने जबरदस्त बिजनेस मॉडल और ऐसे फाइनेंशियल के साथ। स्टॉक अभी हमारे बाय जोन में नहीं है, वैल्यूएशन अभी हमारे लिए जरा भी फेवरेबल नहीं है, तो अभी हम सिर्फ वॉच लिस्ट में रखेंगे। लेकिन जब भी बाय जोन में आता है तो जरूर कंसिडर करिए स्टॉक को, बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है। और इतने रनअप के बावजूद भी कंपनी के पास डिसेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यहाँ से भी हमें नजर आती है। और आपसे आज एक बात करेंगे कि हमेशा कोई भी शेयर बाय करते वक्त उस स्टॉक का प्राइस न देखे, हमेशा कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल देखकर ही प्राइस का वैल्यूएशन कितना फेयर है या स्टॉक का प्राइस कितना फेयर है उसे डिसाइड करिए। और मार्केट में है तो पढ़ने और सीखने को महत्व दीजिए, पैसा अपने आप बनेगा। अब हमें आज्ञा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट कौन सी कंपनी का रिव्यू करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।